नगर पालिका की ऑडिट शाखा में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ऑडिटर खुलेआम ठेकेदार को ब्लैकमेल कर रहा है और कमीशन 2% मांग रहा है और 2 से 5% कमीशन नहीं देने पर फाइल नहीं करने की बात कह रहा है। आपको बता दें कि रिश्वतखोर का कहना है कि नाजायज परेशान करूंगा और कह रहा है कि इसमें हमें ऊपर भी देना होता है, जेडी को देना होता है, इसलिए 2% लूंगा, नहीं तो फाइल पर साइन नहीं करूंगा। तुमको जो करना है कर लो, जहां शिकायत करनी है कर लो, मैं बगैर पैसे के साइन नहीं करूंगा। आपको बता दें कि नगर पालिका की ऑडिट शाखा में ऑडिटर खुलेआम ठेकेदार को ब्लैकमेल कर रहा है और जिसका ऑडियो वायरल हुआ है। गोविंद गर्ग, गोविंद भाई क्या करते हैं? ठेकेदारी करता हूँ आशीष जैन नाम की फर्म पर। अच्छा, किस तरीके से? अभी मेरे फाइल पड़ी थी ऑडिट में। कहाँ पे? ऑडिट शाखा में। तो मैं फाइल लेने गया ऑडिट में, तो ऑडिटर किराए के बोला तुम्हें सिस्टम से चलना पड़ेगा। मैं सिस्टम कौन सा है वो बता दो, जो देते हैं वो दे रहे हैं। कौन है ऑडिटर? विक्रांत उमरैया ऑडिटर है। तो उसने कहा सिस्टम चला, मैं ठीक है सिस्टम चलेंगे, सुपर नगर पालिका सिस्टम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिस्टम होता है ये, मतलब सिस्टम ये क्या, आपने जो हमारा जो बनता है वो हमें दे जाओ, तुम्हारी फाइल ले जाओ। मैं ठीक है, हाँ कमीशन हमारा जो बनता है। मैंने ठीक है 1% देते हैं, मैंने कहा 1% देंगे कि नहीं, कि 2% चाहिए मुझे, नहीं तो तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। मैंने कहा कि दिक्कत आएगी भाई, कि बोला फाइल तुम्हें नहीं मिलेगी, फाइल अपने आप आएगी, अपने आप जाएगी। मैंने ठीक अपने आप आ जाएगी, तो मैंने कहा नियम मेरे साथ ही लागू होगा या सबके साथ होगा? कि नहीं, बोला तुम्हारे साथ ही होगा नियम, तुम्हारे साथ ही लागू होगा और के साथ भी होगा। कितना पेमेंट था आपका? ज़्यादा नहीं है, 80-90 हज़ार रुपये पेमेंट है। कितने महीने से फाइल के लिए भटक रहे हैं? फाइल तो मेरी आज ही गई थी ऑडिट में। अच्छा, ज़्यादा समय नहीं हुआ, पाइपलाइन विस्तार का काम था। अच्छा, तो क्या ऐसी हर किसी से मांगते हैं क्या ये कमीशन? अब नाम तो सबका ही ले रहे हैं कि सब दे के जाते हैं। अच्छा, सब कौन कौन? ठेकेदार लोग। सिस्टम से चलना पड़ता है? सिस्टम से चलना। तो मैंने कहा सब दे रहे हैं तो मैं थोड़ी दूंगा सबके साथ। बोला नहीं कि नहीं दोगे तो फिर आप नियम में आओ। अब शिकायत कहाँ करेंगे आप? अब जहाँ भी संभव होगा वहाँ पे शिकायत करेंगे। कलेक्टर प्रशासक के, कलेक्टर के यहाँ भी जाएंगे या और इनसे ऊपर भी, JDN के जो अधिकारी उनके ऊपर भी जाएंगे और उनसे ऊपर भी जो भी होगा उनके पास जाएंगे। भाई इस तरीके से परेशान करेंगे, काम करने के बाद भी अगर इस तरह से परेशानी झेलेंगे और फिर भी कागजों की पूरी पूर्ति करवा रहे हैं। बोला मैं, और फिर ये कहता है कि बोला मैं अपने हिसाब से ऑब्जेक्शन लगाऊंगा फाइल में।